हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोलॉजिकल ग्रुप। मैं हूं मनीष और आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड पर किस तरीके से काम किया जाता है। और जो स्टूडेंट्स हैं और जो ऐसे हैं जो एमएस वर्ड पर काम करना सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास है। तो वो इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि किस तरीके से एमएस वर्ड पर काम किया जाता है। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सुइट है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है और यह एमएस पैकेज का एक हिस्सा है। तो चलिए सीखते हैं इसे कैसे काम करता है। एमएस वर्ड को हम दो तरह से ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट विंडो बटन पर जाएंगे, देन स्क्रॉल डाउन करेंगे और सर्च बार में सर्च करेंगे एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हमारे सामने ऑप्शन दिखेगा, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे सामने एमएस वर्ड विंडो खुलकर ओपन हो जाएगा। ये एक वे है इसको ओपन करने का। एंड सेकंड वे, हम राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर क्लिक कर देंगे तो ये डायरेक्ट यहीं से ओपन हो जाएगा। अब आप इसमें जो भी नाम देना चाहे रिनेम कर सकते हैं, चाहे अपना नाम देना चाहे अपना नाम दे सकते हैं, या फिर जो भी फोल्डर का नाम आप देना चाहते हैं वो आप इसमें दे सकते हैं। ओके फ्रेंड, देन आपको इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये आपके सामने विंडो ओपन हो चुकी है। इसे हम एमएस वर्ड विंडो कहते हैं जिसमें हम एमएस वर्ड पर काम सीखेंगे करते हैं। ओके फ्रेंड, देन आप ये सबसे ऊपर की रो जो देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड कट। देन ये सेकंड रो जो हमारी है इसे हम मेनू बार कहते हैं, जिसके अंदर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये इस तरीके के मेनूज होते हैं जिसमें हमें ऑप्शंस मिलते हैं काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। देन फ्रेंड, जो हमारा नीचे का जो ये काफ़ी सारे आप टूल्स देख रहे हैं इसे हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन ये हमारा रिबन होता है एंड ये हमारा टेक्स्ट एरिया और ये हमारा स्क्रॉल डाउन, जिससे हम ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, देन हमारा लास्ट में जो आप देख रहे हैं इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। ओके फ्रेंड, देन अब हम देखेंगे कि इसमें हमें वर्क कैसे करना है और हम इन सारे ऑप्शंस के बारे में वन बाय वन डिटेल्स देखेंगे। हम इंसर्ट पर जाते हैं। इंसर्ट पर जाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर ही आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे जितने भी टूल्स देख रहे हैं सारे के सारे स्टैंडर्ड टूल बार में हैं। यहाँ पर आप ब्लैंक पेज चाहिए या फिर आपको पेज ब्रेक करना है तो सारे ऑप्शन से मिलेंगे। जैसे ही आप ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा ब्लैंक पेज मिल जाएगा जिस पर आप वर्क कर सकते हैं। दो पेजेस आपके सामने हो गए, आप यहाँ से पेज ऐड कर सकते हैं। आप पेज ब्रेक पर करेंगे तो यहाँ पर जहाँ आपने क्लिक करेंगे वहीं से आपका एक पेज ब्रेक हो जाएगा और आपके पास एक और पेज इंसर्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड, देन टेबल पर जाएंगे, यहाँ से आप टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की टेबल्स बनानी है, कितने रो चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। देन पिक्चर पर जाएंगे, पिक्चर पर आपको पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं कि कौन सी पिक्चर आपको चाहिए, उस पिक्चर पर क्लिक करें एंड इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। ओके फ्रेंड, देन आप शेप्स पर चले जाइए। शेप्स पर आपको जो भी शेप चाहिए वो शेप आप यहाँ से ले सकते हैं। शेप पर क्लिक करना है, देन हमें शेप को माउस के राइट क्लिक करके ड्रॉ कर देना है तो आपका शेप वहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आप इस पर कलर दे सकते हैं, जिस तरीके कलर चाहते हैं हम कलर कर सकते हैं, है ना। ये इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। आपको चार्ट बनाना है, चार्ट पर क्लिक करिए और ओके कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए तो आपका चार्ट आ जाएगा। बेसिकली चार्ट का यूज़ ज़्यादा एक्सेल में होता है तो इसलिए एक्सेल ही ओपन हो जाता है सीधा, बट आप उसको कैंसिल करके सीधा एक्सेल पर, सॉरी वर्ड पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो अब हम एक काम करते हैं, एक हेडर भी देख लीजिए। आप हेडर पर कैसे करते हैं, हेडर पर क्लिक करेंगे हम तो आपका जो पेज है उस पर दो टाइप के होते हैं, एक हेडर होता है और एक फूटर होता है। हेडर मैंने पेज के सबसे टॉप पर आपको कुछ लिखना है, कुछ करना है तो
आप वहाँ पर दे सकते हैं हेडर पर, यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। और एक फूटर होता है जो पेज के एंड में दिया जाता है। तो हम हेडर देखते हैं पहले। हेडर में यहाँ पर हमने जैसे 0 और 1 दे दिया है, 0 2 दे दिया है। इस तरीके से हम यहाँ पर 0 3 जो भी नंबर आप चाहे, नंबर हो, नेम हो, जो भी आप चाहे यहाँ पर आप दे सकते हैं। इस तरीके से नाम लिखना हो आप नाम लिख सकते हैं। तो ये सब में सेम रहेगा, आप जो भी लिखेंगे आप वो हेडर में सब में सेम रहेगा, कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें, सब में सेम ही देखने को मिलेगा आपको। देन अब हम एक शीट बना के देखते हैं, कार्ड बनाते हैं। कार्ड बनाने के लिए पहले हम शेप्स में जाएंगे। शेप्स पे जाके हम फिर से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम शेप्स पे गए, शेप लिया हमने, एक बॉक्स लिया, यहाँ पे हमने कार्ड का शेप दिया। कार्ड का शेप देने के बाद अब इसमें हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। देन हम कलर इंसर्ट करेंगे इसमें, हमें जो भी कलर चाहिए। हम यहाँ से हमने कलर सेलेक्ट किया, देन इंसर्ट पे जाके हम वर्ड आर्ट पर जाएंगे। वर्ड आर्ट में जाके हमें जैसे भी चाहिए हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं जो हमें ड्रॉ करना है। जैसे मैंने लिखा मनीष कोचिंग क्लासेस, देन ओके। अब देन मैं जाऊँगा टेक्स्ट रिपिंग पे। टेक्स्ट रिपिंग पे जाने से ये होता है कि आपका टेक्स्ट फ्री हो जाता है, आप उसको जैसे चाहे वैसे फिर एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो वो लॉक रहता है। अब इसमें मैं कलर कर देता हूँ, ये देखिए कलर हो चुका है। वापस मैं इंसर्ट में जाऊँगा, वर्ड आर्ट पर जाऊँगा और फिर से मैंने एक टेक्स्ट लिया। टेक्स्ट में मैंने फिर से टेक्स्ट दिया। सॉरी आपको अगर बाहर से कोई साउंड आ रहा है, यहाँ मैंने टाइम लिख दिया 10 to 12। मैं यहाँ से कलर दे देता हूँ इसमें। वापस इंसर्ट पे जाऊँगा। इसी तरीके से मुझे अपना कंटेंट जैसे भी डिज़ाइन करना है मैं इस पर कर सकता हूँ। इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता हूँ, रिज्यूम, एप्लीकेशन, लेटर, जो भी मुझे बनाना है वो मैं अपनी तरीके से इसमें डिज़ाइन कर सकता हूँ। बहुत इजी है फ्रेंड्स इसमें काम करना, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ एड्रेस डाल देता हूँ, रानी अमन बाई कॉलोनी नवीन नगर। जैसे मैंने एड्रेस डाल दिया, ओके। इसको मैं वापस जो भी चीज़ को मैं लिखूँगा उसको मैं टेक्स्ट रिपिंग करूँगा, उसको अनलॉक करने के लिए, फ्री करने के लिए, जिससे मैं उसे कहीं भी एडजस्ट कर सकूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया, मैं इसको भी कलर दे देता हूँ। यहाँ से मैंने इसे कलर कर दिया। देन पिक्चर इंसर्ट, अब मैं यहाँ पे कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना है मुझे इंसर्ट कर दूंगा। मैंने आपको जैसे बताया था ये पिक्चर है, तो मुझे पिक्चर को भी टेक्स्ट रिपिंग करना पड़ेगा जिससे ये अनलॉक हो जाए, फ्री हो जाए और जहाँ मुझे लगाना हो इसे मैं वहाँ एडजस्ट कर देता हूँ। ये मुझे इस तरीके से बहुत ऐसा लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन से दिए हुए हैं, आपको जैसा डिज़ाइन चाहिए तो मैंने ये डिज़ाइन दे दिया इसमें, अभी देखने में अच्छा लग रहा है। वापस मैं जाऊँगा इंसर्ट में, वर्ड आर्ट में जाऊँगा। यहाँ पर मैं अपने तरीके से, जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से कंटेंट को आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर ज्ञान लिख दिया, ओके करूँगा। वापस वही प्रोसेस, अनलॉक कर दिया। टेस्ट रिपिंग करने के बाद इसको आप जहाँ चाहे वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर मैं इसे कलर दे देता हूँ, मैंने इसे कलर किया। देन वापस मैं जाऊँगा, अब मुझे एक ऐड करना है, टैक्स ऐड करना है इसमें। मैं सोच रहा हूँ मैं खुद से इसी में टैक्स ऐड कर देता हूँ, तो आप देखिए कैसे टेक्स्ट ऐड करते हैं। यहाँ मैं वर्ड आर्ट पर नहीं गया, मैंने डायरेक्ट इसी पर ही टेक्स्ट को ऐड कर दिया है। इस तरीके से मैं टेक्स्ट को ऐड कर दिया। अब मैं होम पर जाके इसे बोल्ड फॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं, उसे
कंप्लीट हो चुका है यार, देख सकते हैं। अब मैं इसको सेव कर दूँगा, तो अब ये सेव हो चुका है। ये आप सेव अस पे जाएंगे तो दोबारा से फिर से सेव कर सकते हैं। सेव अस पर जाइए, यहाँ पर जहाँ भी आपको सेव करना है उस फाइल को सेलेक्ट करिए, और जिस नाम से आपको सेव करना है उस नाम को आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं दे देता हूँ कार्ड, कार्ड नाम से मैंने सेव कर दिया। अब मैं सेव पर क्लिक करूँगा, ये मेरा कंटेंट सेव हो चुका है। अब मैंने कट किया, अब देखिए अब बाहर डेस्कटॉप पर आ चुका है। अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लूँगा, देखिए मेरा सेव किया हुआ मुझे वापस मिल गया। तो सेव करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।